हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग सोशियोलॉजी की एक थ्योरी फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को पढ़ेंगे। ये सोशियोलॉजी का बहुत ही इम्पोर्टेंट थ्योरी है और इसके साथ हम एक और थ्योरी को देखेंगे जो माइक्रो लेवल है। तो सोशियोलॉजी में तीन थ्योरी है, एक माइक्रो लेवल पे और दो माइक्रो लेवल पे। तो एक है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, दूसरा है फंक्शनलिज्म एंड तीसरा है कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी। तो प्रतीकात्मक सिंबॉलिक इंटरेक्शन मतलब प्रतीकात्मक बातचीत, फंक्शनलिज्म जो है वो व्यावहारिकता को बताता है और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जो है वो हमें संघर्ष के सिद्धांत को बताता है। तो ये तीनों सिद्धांत सोशियोलॉजी में बहुत ही इम्पोर्टेंट है और हम इनके बारे में जानेंगे। तो हम शुरू करते हैं, ठीक है। सोशियोलॉजी में क्या है, आजकल के जमाने में मॉडर्न सोशियोलॉजिस्ट जो है, आज सोशियोलॉजिस्ट तीन तरह के थ्योरेटिकल नजरिया रखते हैं, सैद्धांतिक नजरिया रखते हैं। किस चीज के बारे में, समाज के बारे में कि समाज किस तरह से वर्क करता है। तो पहला है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट, जिसको हम कहते हैं प्रतिमा, प्रतीकात्मक जो बातचीत करते हैं वो नजरिया, प्रतीकात्मक बातचीत का नजरिया। दूसरा व्यवहारिकता का नजरिया और तीसरा संघर्ष का सिद्धांत या संघर्ष का नजरिया। ये तीनों जो है नजरिया, ये क्या बताते हैं सोशियोलॉजिस्ट को, उनको ये समझने में मदद करता है कि किस तरह से समाज लोगों को प्रभावित करता है और किस तरह से लोग समाज को प्रभावित करते हैं। सोसाइटी इन्फ्लुएंसर्स पीपल, समाज लोगों को प्रभावित करता है। वाइस वर्सा का मतलब कि लोग किस तरह से समाज को प्रभावित करते हैं। हर नजरिया जो है वो अपने आप में अनूठा है, वो समाज को अलग तरीके से बताता है, सामाजिक फोर्सेस को और मनुष्य के व्यवहार को अलग अलग तरीके से बतलाता है। तो हम उसको देखेंगे। तो सोशियोलॉजिकल जो समाज शास्त्र का जो नजरिया है वो किस किस लेवल में एनालिसिस करता है, पहले हम इसको देखें। तो पहला है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, ये समष्टि रूप में नहीं करता, ये व्यष्टि रूप में, माइक्रो है। तो ये यहाँ पर क्या होता है कि सिंबल्स के प्रयोग से और फेस टू फेस इंटरेक्शन से समाज को हम देखने का सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव को एनालिसिस करता है, ये सूक्ष्म या माइक्रो लेवल पर। फंक्शनलिज्म जो है वो व्यवहारिकता है, वो बताता है कि समाज के विभिन्न हिस्सों के बीच में कैसा रिलेशन है और समाज किस तरह से इन सबको अडॉप्ट करता है। तीसरा है संघर्ष का सिद्धांत, ये भी व्यष्टि लेवल पर ना होकर समष्टि लेवल पर है, जो बताता है कि दुर्लभ साधनों के लिए किस तरह से प्रतियोगिता होती है और कैसे जो समर्थ होते हैं, जो एलिट होते हैं, वो उस पर कंट्रोल करते हैं और कमजोर लोगों को किस तरह से सफर करना पड़ता है। तो ये सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, जिसको हम सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म भी कहते हैं। ये सोशियोलॉजिस्ट को कहता है कि सिंबॉल को कंसिडर करें और जो भी एवरी डे प्रतिदिन के लाइफ में जो भी डिटेल्स है, क्या ये सिंबल का मतलब है और कैसे लोग एक दूसरे से इंटरेक्ट करते हैं, इस पर ध्यान देने की बात करता है। तो ये क्या है, ये प्रतीकात्मक समझ और व्याख्या है जो व्यक्तियों के बीच बातचीत को प्रभावित करता है। तो सिंबॉलिक इंटरेक्शन ये भी क्या है, इसका ओरिजिन मैक्स वेबर के सिद्धांत से है, ठीक है। लेकिन ये दिया गया किसके द्वारा है, इसको सबसे पहले हर्बर्ट रीड के द्वारा दिया गया। ये जो सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट पर्सपेक्टिव है, इसको सबसे पहले किसने लाया था, तो उनका नाम है पहले जॉर्ज हर्बर्ट रीड, जॉर्ज हर्बर्ट मीड का नाम इससे जुड़ा हुआ है। तो ये हालांकि ये मैक्स वेबर के भी सिद्धांत में आता है, उनका भी इस पर है कि इंडिविजुअल, उनका भी ये मानना है कि जो व्यक्ति होते हैं वो अपने वर्ल्ड को इंडिविजुअल एक्ट अकॉर्डिंग टू देयर इंटरप्रिटेशन ऑफ
द मीनिंग ऑफ देयर वर्ड, अपने शब्द को वो जिस तरह से इंटरप्रेट करते हैं उसी तरह से वो समाज को वो एक्ट करते हैं। वो किसी भी तरह से एक्ट, वो कैसे एक्ट करते हैं, जिस तरह से अपने वर्ड को समझते हैं। सिंबॉलिक इंटरेक्शन ही जो है वो यह ऐसा अप्रोच है जो कि ह्यूमन के इंटरेक्शन को का विश्लेषण करता है, मनुष्य के जो आपसी बातचीत है उसका विश्लेषण करता है और किस पर फोकस करता है कि जो भी वर्ल्ड को और जो भी दुनिया की चीजें हैं वो उसको किस तरह से उनका मीनिंग को समझते हैं या असाइन करते हैं, और जिसमें कि वर्ड्स भी आते हैं और ऑब्जेक्ट्स भी आते हैं, मतलब दुनिया में अपने संसार में अपने इर्द गिर्द के वस्तुओं को वो किस तरह से उनको समझते हैं, उसका अर्थ समझते हैं और उनको किस तरह से महत्व देते हैं। तो ये जो है सिंबॉलिक इंटरेक्शन, ये माइक्रो लेवल का थ्योरी है, मतलब सूक्ष्म है, ये व्यक्तिगत व्यक्तिवादी है, मतलब व्यक्तिगत व्यष्टि है, समष्टि नहीं है, जो कि रिलेशनशिप भी किसी एक सोसाइटी में लोगों के बीच के रिश्ते को देखता है, आपस के संबंध को बताता है। सामाजिक समाज विज्ञानी जो होते हैं वो इसको सिंबॉलिक इंटरेक्शनिस्ट थिंकिंग को बोलते हैं कि इंडिविजुअल के बीच के इंटरेक्शन को वो समझते हैं। तो ये इनका स्टडी क्या है कि ये हर व्यक्ति का वन टू वन क्या ऑब्जर्वेशन है और क्या इंटरेक्शन है उस पर ध्यान देता है सिंबॉलिक, कि हर व्यक्ति किस तरह से इंटरेक्ट करता है या किस तरह से एक दूसरे से बात करता है। तो उन्होंने एक उदाहरण दिया कि डॉग, डॉग क्या है, डॉग इज जस्ट ए सीरीज ऑफ लेटर्स, डॉग क्या है सीरीज ऑफ लेटर है DOG, लेकिन इंटरेक्शन इस लेटर से इंटरेक्शन करते करते लोगों को ये समझ में आ जाता है कि डॉग क्या है। तो डॉग एक एनिमल है जिसका फर होता है, टेल होता है, तो इससे वो उसको बोल लेते हैं। तो इसे हम सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म कहते हैं। ये आपकी कोर्स में नहीं है लेकिन इसको जानना जरूरी हो सकता है कि ये पूछ दिया जाए, बस इसलिए मैंने थोड़ा सा इसका जिक्र कर दिया। इसके प्रणेता कौन थे और किसके प्रणेता थे, जॉर्ज हर्बर्ट मीड और मैक्स वेबर के सिद्धांत में भी आया है। सोशियोलॉजी क्या है, तो सोशियोलॉजी एक सोशल साइंस का एक डिसिप्लिन है, इंटरडिसिप्लिन है, मतलब सोशल साइंस के अंदर का एक सब्जेक्ट है जो क्या स्टडी करता है, सोसाइटी और ह्यूमन बिहेवियर को स्टडी करता है। तो ये फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्या है, ये फंडामेंटल अप्रोच है जो कि सोशियोलॉजी में यूज होता है, ठीक है। तो व्यावहारिकता और संघर्ष का जो सिद्धांत है, तो ये दोनों जो अलग अलग सिद्धांत है या अप्रोच है, ये बताता है कि सोसाइटी का किस तरह से सोसाइटी का निर्माण हुआ या सोसाइटी का प्रत्यय या कॉन्सेप्ट कैसे बना और कैसे ये काम करता है। इसलिए ये दो सिद्धांत जो है वो दो अलग अलग अप्रोच है जो कि हमें यह समझने में मदद करते हैं कि सोसाइटी किस तरह से काम करता है और सोसाइटी किस तरह की होती है, इस चीज को समझने में मदद करता है। तो अब हम चलते हैं फंक्शनलिज्म, जिसको हम व्यवहारिकतावाद भी कहते हैं। तो सोशल साइंस में, समाज विज्ञान में फंक्शनलिज्म या क्रियात्मकता भी इसको कहते हैं या व्यवहारिकवाद भी कहते हैं। तो ये थ्योरी जो है किस पर आधारित है, कि इसकी ऑल एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, समाज के जितने भी एस्पेक्ट है, समाज किन किन संस्थाओं से मिलकर बनता है, तो इंस्टीट्यूशन, संस्थाएं, रोल सबके अलग अलग होते हैं, सिद्धांत होते हैं, ये सारी चीजें जो है समाज के जो एस्पेक्ट है ये क्या करते हैं, एक पर्पस एक उद्देश्य से काम करते हैं, और ये सभी किसी भी सोसाइटी के लॉन्ग टर्म सर्वाइवल, मतलब लंबे समय तक सोसाइटी के बने रहने के लिए ये अनिवार्य है, इंडिस्पेंसिबल है, ठीक है। तो क्या क्या किसी भी समाज के निर्माण में इंस्टीट्यूशंस, रूल्स, नॉर्म्स, ये सारी चीजें जो है वो समाज के उद्देश्य को पूरा करते हैं, किसी भी समाज के लॉन्ग टर्म तक सर्वाइव करने के लिए या लॉन्ग टाइम तक बने रहने के लिए ये अनिवार्य है। मॉडर्न The example of functionalism would be the education system. आज के जमाने में इसका सबसे अच्छा example है functionalism का, education system. ये शिक्षा व्यवस्था, शिक्षा क्या है कि समाज के कार्य में बहुत तरह से बहुत ही important role अदा करती है।
दूसरा फंक्शनलिटी का अदर वर्ड्स फॉर फंक्शनलिटी को और भी अन्य नामों से जाना जाता है, जिसे फिलोसफी कहते हैं, स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं, डॉक्ट्रिन ऑफ फिलोसफिकल सिस्टम या साइंटिफिक थ्योरी या इज्म कहते हैं। ठीक है, तो वाद फिलोसफी दर्शन स्कूल ऑफ थॉट विचारों का एक धारा, विचारधारा डॉक्ट्रिन सिद्धांत और दार्शनिक सिस्टम, ये सारी चीजें फंक्शनलिज्म के लिए यूज किया जा सकता है, ये सारे इसके सिनोनिम्स हो सकते हैं। फंक्शनलिज्म क्या कहता है कि समाज ह्यूमन बॉडी की तरह ऑपरेट करता है। ह्यूमन बॉडी में क्या है, इस बहुत सारे ऑर्गेनिज्म होते हैं, सारे मिलके काम करते हैं। क्या क्या सिस्टम है ह्यूमन बॉडी में, तो डाइजेस्टिव सिस्टम है, सर्कुलेटरी सिस्टम है, स्केलेटल सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, तो ये सारे सिस्टम मिलकर ही ह्यूमन बॉडी को चलाते हैं। उसी तरह समाज के भी बहुत सारे पार्ट्स होते हैं जो कि मिलकर समाज को चलाते हैं। तो ऑल सोसाइटी पोजेस बेसिक फंक्शंस व्हिच दे मस्ट कैरी आउट टू सर्वाइव। इसी तरह समाज में के विभिन्न पार्ट होते हैं जो सब मिलकर समाज को चलाने में मदद करते हैं। लाइक लिविंग ऑर्गेनिज्म, जैसे बॉडी ह्यूमन बॉडी काम करता है, वैसे ही समाज के विभिन्न पार्ट उसके चलने में मदद करते हैं। तो फंक्शनलिज्म का नाम किससे जुड़ा हुआ है, सबसे पहले फंक्शनलिज्म के बारे में विलियम जेम्स ने कहा था। विलियम जेम्स ने डेवलप किया था फंक्शनलिज्म को ये जानने के लिए कि बिहेवियर और जो जागृत कॉन्शियसनेस जो है, जो हमारे कॉन्शियसनेस को सर्च करने के लिए और व्यवहार को सर्च करने के लिए इसका उसको विकसित किया था। फंक्शनलिस्ट सोशियोलॉजिस्ट में नाम आता है पार्सन का और दर्किन का। दर्किन दोनों ने have been concerned with the search for functions that institutions may have in society. इन्होंने क्या किया कि बहुत सारे institutions जो होते हैं समाज में, तो उनका क्या कार्य है इसके बारे में उन्होंने खोज किया। विभिन्न तरह की संस्थाएं जो होती हैं समाज को बनाती हैं मिलकर, उनके कार्य को जानने के लिए और वो उसके बारे में जानने के लिए उन्होंने इस पर काम किया। तो अकॉर्डिंग टू फंक्शनलिस्ट उनकी नजरिया से जिसको की फंक्शनलिज्म कहा जाता है, फंक्शनलिस्ट पर्सपेक्टिव को फंक्शनलिज्म कहा जाता है। उनका मानना है कि सोसाइटी का हर एस्पेक्ट, जितना पार्ट है सोसाइटी का, सब इंटरडिपेंडेंट है, मतलब एक दूसरे पर निर्भर है, कोई अपने आप में संपूर्ण नहीं है और कंट्रीब्यूट टू सोसाइटी फंक्शन एज ए होल, और सभी पार्ट मिलकर समाज के विकास में या समाज के कार्य को चलने देने में मदद करते हैं। गवर्नमेंट और स्टेट या प्रोवाइड्स एजुकेशन फॉर द चिल्ड्रेन ऑफ द फैमिली विच, अब जैसे कैसे चलता है समाज का काम, तो सरकार होती है या राज्य होता है, वो क्या करता है कि बच्चों को शिक्षा देता है। ठीक है, परिवार में बच्चे होते हैं जिनकी शिक्षा की व्यवस्था सरकार करती है, तो सरकार उसके बदले में वो क्या करते हैं, सरकार को टैक्स देते हैं और जिससे कि सरकार फिर अपना काम करती है, उसका काम चलता रहता है। ये है कि एक एस्पेक्ट हुआ फैमिली, एक एस्पेक्ट हुआ गवर्नमेंट, और एक दोनों, एक गवर्नमेंट है सो एजुकेशन दे रही है और जो फैमिली है वो टैक्स पे कर रहा है ताकि सरकार का काम चलता रहे, तो दोनों एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, दोनों इंटरडिपेंडेंट है। तो ये जो है कि इससे क्या होता है कि फैमिली इज डिपेंडेंट अपॉन द स्कूल टू हेल्प द चिल्ड्रन टू ग्रो अप टू हैव गुड जॉब्स। फैमिली कहाँ डिपेंड कर रही है, स्कूल पे डिपेंड कर रही है कि उनके बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले ताकि वो अच्छी नौकरी पा सके और वो फिर अच्छी कमाई करके घर को सपोर्ट कर सके। तो इस प्रक्रिया में चिल्ड्रन क्या करते हैं, चिल्ड्रन बनते हैं लॉ अबाइडिंग, चिल्ड्रन कानून मानते हैं, राज्य सरकार उन्हें शिक्षा देती है तो सरकार के नियमों को का पालन करते हैं, टैक्स देते हैं और उसके बाद इस तरह से टैक्स देकर वो सरकार को सपोर्ट करते हैं। अगर ये सब सही रूप से चलता रहे कि स्टेट शिक्षा दे और परिवार वाले टैक्स दे और बच्चे शिक्षा ग्रहण करें, तो सोसाइटी का जो पार्ट है वहाँ पर एक ऑर्डर होगा, एक सिस्टम होगा, एक स्टेबिलिटी होगी, स्थिरता होगी और उत्पादकता होगी। ये सब अगर सब लोग एक
चीज सही नहीं चले, अगर सरकार शिक्षा दे और लोग टैक्स न दे तो सरकार को दिक्कत होगी, सरकार का काम नहीं चलेगा। तो पार्ट्स ऑफ सोसाइटी देन मस्ट अडॉप्ट टू रिकैप्चर अ न्यू ऑर्डर। तो क्या होगा अगर सब कुछ सुचारू रूप से नहीं चलेगा तो फिर नया ऑर्डर आएगा और फिर नई स्टेबिलिटी और नई प्रोडक्टिविटी आएगी, फिर इसमें चेंज लाना पड़ेगा। तो इसलिए सबको सुचारू रूप से काम करने के लिए सब एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, परस्पर निर्भरता होती है। तो फंक्शनलिज्म का मानना है कि हर एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी, सोसाइटी का हर एस्पेक्ट, हर हिस्सा जो है वो एक कार्य करता है, उसका एक फंक्शन है, और जो कि समाज के सर्वाइवल के लिए नेसेसरी है। जैसे समाज का एक हिस्सा है गवर्नमेंट जो कि शिक्षा प्रदान कर रहा है, दूसरा हिस्सा है बच्चे जो शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, तीसरा हिस्सा है फैमिली जो टैक्स पे कर रहा है। इन सब का कार्य जो है वो नेसेसरी है, सो दैट कि समाज का कार्य चलता रहे सुचारू रूप से। फंक्शनलिज्म को हम स्ट्रक्चरल फंक्शनलिज्म भी कहते हैं, संरचनात्मक व्यवहारिकता भी कहते हैं। यह थ्योरी ये बताता है कि समाज के सभी एस्पेक्ट जो हैं वो सोसाइटी के डिपेंडेंट हैं और दे सर्व ए फंक्शन, आर सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और एक कार्य को वो करते हैं, किसी कार्य को करने के लिए वो एक दूसरे पर निर्भर हैं, इसलिए दे आर नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ द सोसाइटी। इसलिए सभी लोग जितने भी एस्पेक्ट हैं समाज के, सभी जो है वो समाज के विकास के लिए जरूरी है। तो इस नजरिया से, जो व्यवहारिकतावाद नजरिया है, उसको क्या है कि समाज का हर एस्पेक्ट, हर हिस्सा इंटरडिपेंडेंट एंटर क्या करता है, समाज की स्टेबिलिटी, समाज में स्थिरता लाने और उसके कार्य को सुचारू रूप से चलाने के लिए आवश्यक है। तो ये किसके द्वारा, फंक्शनलिज्म जो नजरिया है ये किसके द्वारा क्रिएटिव है, एमिल डर्किन। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है इम्पोर्टेंट कि हु हैज क्रिएटेड द पर्सपेक्टिव ऑफ फंक्शनलिज्म, तो यू हैव टू राइट एमिल डर्किन। तो ये फंक्शनलिज्म जो है वो क्या दर्शाता है कि हर समाज का हर हिस्सा जो कि अच्छा हो या बुरा, सभी समाज के लिए आवश्यक है। गुड और बैड आर एसेंशियल फॉर सोसाइटी टू कंटिन्यू, इसलिए सभी एस्पेक्ट को अपने रोल को पूरा करते रहना है, रोल को निभाना है, ताकि एक समाज में सोशल ऑर्डर मेंटेन किया जा सके और समाज सुचारू रूप से चल सके। अब उदाहरण के लिए सरकार, अब एक उदाहरण से इसको हम समझते हैं, ठीक है। तो सरकार जो है, सरकार प्रोवाइड करती है किसानों को, सरकार किसानों को केमिकल्स और मैन्योर खाद देती है ताकि किसान खेत में खेती करें और इकोनॉमिक डेवलपमेंट समाज के आर्थिक विकास में मदद करें, अच्छा उपज करें, उपज से मतलब खेती अच्छे तरीके से करें ताकि अधिक उत्पादन हो और समाज को का विकास हो और लोगों को अच्छा खाना मिले, हेल्दी खाना मिले और लोग गवर्नमेंट को टैक्स भी दे ताकि यह नियम चलता रहे, केमिकल्स खरीदे, उत्पादन करें, लोगों को अच्छा फूड मिले, सरकार को टैक्स मिले और ये प्रोसेस चलता रहे। उसी तरह से फार्मर्स अपने फैमिली को सपोर्ट करेंगे, जो इनकम उनका होगा खेती करेंगे, उत्पादन करेंगे, तो जैसे सरकार उनको मदद की तो वो उत्पादन किए, उत्पादन किए तो लोगों को खाना मिला, सरकार को टैक्स मिला और इसके अलावा सरकार को उन्होंने टैक्स भी दिया और अपनी फैमिली को भी किसानों ने सपोर्ट किया। इससे क्या हुआ कि फार्मर सरकार पर निर्भर कर रहे हैं मैन्योर के लिए, खाद के लिए और एग्रीकल्चरल सपोर्ट के लिए, और गवर्नमेंट फार्मर पर डिपेंड कर रही है क्योंकि वो उसको हेल्दी फूड प्रोवाइड कर रहा है, अनाज का उत्पादन हो रहा है वो सरकार को फार्मर्स के द्वारा में, तो दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। फंक्शनलिज्म हाईलाइट कर रहा है, क्या कर रहा है, इंटरडिपेंडेंसी, दोनों एक दूसरे पर की निर्भरता, एक दूसरे पर निर्भर है और इस वैलिड फंक्शन ऑफ एलिमेंट्स दैट इवेंचुअली लीड टू, इससे क्या हो रहा है कि समाज जो है वो एक सक्सेसफुल, सफल तरीके से अपना कार्य कर रहा है और समाज आगे बढ़ रहा है। अब अगर फंक्शनलिज्म को नहीं एम्फसाइज करता है तो है क्या होगा, फंक्शनलिज्म
should always have to be good or worthy for the stability of society. इसका मतलब है कि अगर ये सारा aspect सही ढंग से काम कर रहा है तो society सब बहुत efficient होगा और ज्यादा stable होगा और अधिक उत्पादकता होगी. अगर नहीं अच्छे से ये काम करेंगे, ये system अच्छा से काम नहीं करेगा तो क्या होगा कि फिर से वो नया order खोजेंगे. अगर सरकार उनको मदद नहीं करेगी तो वो कुछ दूसरा option खोजेंगे और उससे प्रोडक्टिविटी निकालेंगे. मतलब क्या है कि अगर मदद कर रही है तो ठीक है, अगर नहीं करेंगे तो दूसरा ऑप्शन खोजेंगे, लेकिन समाज को आगे बढ़ाएंगे. तो अगर इस अब एग्जांपल को हम फिर से देखते हैं कि अगर मान लो वेदर इश्यू हो जाता है और सरकार के द्वारा जो भी खाद और जो भी एड्स दिया गया, जो भी सहायता दी गई, वो ऑप्टिमम रिजल्ट नहीं आया, उससे उत्पादन नहीं बढ़ा, प्रोडक्शन फेल हो गया क्योंकि कुछ ऐसा वेदर इश्यू हो गया, तो ये क्या करेगा, इनस्टेबिलिटी अस्थिरता ले आएगा फूड प्रोडक्शन में. तो अब इसको ओवरकम करने के लिए क्या करना होगा, सरकार को कुछ काम ऐसा करना होगा, कुछ ऐसा रिकैप्चर करना होगा. मतलब क्या है कि फिर कुछ दूसरा ऑप्शन चुनना होगा कि अगर उत्पादन कम हो गया तो प्राइस ना बढ़े, समाज में इनस्टेबिलिटी ना हो, उत्पादन नहीं बढ़ा तो प्राइस बढ़ता चला जाएगा, इससे इन्फ्लेशन आएगा, तो सरकार क्या करेगी, सरकार का यहाँ पर रोल बदल जाता है. फिर इसको ठीक करने के लिए सरकार क्या करेगी, आयात करेगी फूड का और लोगों पर ज्यादा टैक्स लगाएगी. क्यों ऐसा करेगी, ऐसा करने से ही सोसाइटी जो है वो अपने ऑर्डर, सोसाइटी का ऑर्डर मेंटेन रहेगा, ठीक है, समाज सुचारू रूप से चलता रहेगा, नहीं तो क्या होगा, केओस क्रिएट होगा और लोगों को कमी महसूस होगी, भुखमरी होने लगेगी, ज्यादा प्राइस होने से लोग खरीद नहीं पाएंगे. तो ये जो फंक्शनलिज्म का व्यू है सोसाइटी को जो एक ऑर्गेनाइज्ड या संगठित सिस्टम के रूप में देखता है और इंटर रिलेटेड मानता है सब पार्ट को, तो ये क्या करता है कि ये इससे संतुलन आता है ना, इसमें संतुलन, तो ये इंटर रिलेटेड पार्ट्स जो है समाज में वो आपस में जब सहयोग से काम करते हैं एक दूसरे के साथ तो पूरा सामाजिक सिस्टम सही ढंग से फंक्शन करता है. इसीलिए फंक्शनलिज्म, ये सारा चीज फंक्शनिंग पर, सरकार के फंक्शनिंग पर और लोगों के सहयोग पर, इंटरडिपेंडेंसी पर डिपेंड करता है. इसका दो बेसिक पोस्टुलेट्स है. पहला क्या है कि द कॉन्सेप्ट ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स वेयर ऑल सोशल इंस्टीट्यूशंस, जितना समाज का इंस्टीट्यूशंस है सब, क्या क्या है समाज का इंस्टीट्यूशन, स्पोर्ट्स है, रिलीजन है, पॉलिटिक्स है, इकोनॉमिक्स है, मीडिया, सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं. इतना सारा मतलब सोशल इंस्टीट्यूशन का मतलब वो जो संस्थाएं समाज में काम कर रही हैं, सब एक दूसरे से जुड़े हैं. और ये व्यवहारिकता या फंक्शनलिज्म तब शुरू होता है विद द आइडिया दैट किसी भी स्टेबल सिस्टम में, जैसा ह्यूमन बॉडी का कंसिस्ट ऑफ ए नंबर ऑफ ए डिफरेंट बट इंटर रिलेटेड पार्ट्स दैट ऑपरेट टुगेदर टू क्रिएट ओवरऑल ऑर्डर. ह्यूमन बींग में क्या है, इतने सारे सिस्टम है लेकिन सब मिलकर एक साथ काम करते हैं ताकि ह्यूमन बींग जो है वो बैलेंस्ड रहे और उसका सारा कार्य सुचारू रूप से चलता रहे. उसी तरह से इसी तर्क से समाज के लिए भी कहा गया है कि अगर किसी भी एक इंस्टीट्यूशन में चेंज होता है तो वो दूसरे इंस्टीट्यूशन को भी चेंज करता है, और एक एस्पेक्ट में चेंज होता है तो ये पूरे सिस्टम को अफेक्ट करता है. जैसे ह्यूमन बॉडी का कोई सिस्टम काम करना फेल करता है तो दूसरे सिस्टम भी उससे प्रभावित होने लगते हैं और फिर क्या होता है, मल्टीपल ऑर्गन फेलियर. उसी तरह से समाज में भी है कि समाज के विभिन्न एस्पेक्ट जब सब मिल के काम करते हैं तब सुचारू रूप से चलता है. अगर कोई भी सिस्टम ठीक से काम नहीं करता है तो उससे क्या होता है कि समाज के पूरे सिस्टम को प्रभावित करता है. तो ये इस आइडिया पर आधारित है कि सोशल सिस्टम क्या चाहता है, सोशल सिस्टम स्मूथली रन करना चाहता है, सुचारू रूप से चलना चाहता है और हमेशा संतुलन और स्थिरता चाहता है. इसलिए उन्होंने कहा कि सभी बिहेवियर को, जो कुछ बिहेवियर है जो गलत है उनको चेक करने की जरूरत है, सो दैट कि सभी और सरकार को सहयोग करने की जरूरत है इन केस ऑफ इमरजेंसी, ताकि सभी सिस्टम सुचारू रूप से काम कर सके. दूसरा पोस्टुलेट क्या बताता है फंक्शनलिज्म का, कि ये इस आइडिया पर आधारित है या केंद्रित है कि इंडिविजुअल मेंबर ऑफ सोशल सिस्टम, जैसे कि सोसाइटी, स्पोर्ट्स लीग और टीम, कोई एक सिस्टम, जैसे कोई एक एस्पेक्ट जो है सोसाइटी का, वो जनरली एंडोर्स द सेम बेसिक वैल्यू, एक कॉमन एग्रीमेंट ऑन इश्यूज ऑफ राइट,
समाज में क्या है, दूसरा मान्यता एक तो है सबको मिलकर काम करना है और बैलेंस बना के रखना है, दूसरा है कि क्या सही है और क्या गलत है, क्या बेसिक वैल्यूज है, क्या मतलब मूल्यों का पालन करना है, क्या नैतिकता है, ये पूरे सिस्टम के लिए एक ही होना चाहिए, कॉमन एग्रीमेंट होना चाहिए, जो सही है वो सबके लिए सही होना चाहिए, जो वैल्यूज है वो सबके लिए एक जैसे होने चाहिए, ताकि पूरा सिस्टम जो है वो अप्रोप्रिएटली काम कर सके। तो ये दो पोस्टुलेट है, एक तो मिलकर काम करना है और दूसरा कि सारे मॉरल वैल्यूज और जो भी बेसिक वैल्यूज और राइट रॉन्ग का डिसीजन है वो सबके लिए एक जैसा होना चाहिए। इनका फंक्शनलिस्ट जो लोग थे, जो उनका मानना था कि सोसाइटी इज हेल्ड टुगेदर बाय सोशल कॉन्शियसनेस और कोहेजन, मतलब क्या है कि इन विच मेंबर्स ऑफ सोसाइटी मतलब एक रूपता एक विचार मतैक्य से चलता है और वर्क टुगेदर और साथ काम करना होगा, ताकि एक साथ मिलकर एक मत होकर काम करना, एकजुट होकर काम करना, जो ऐसा काम करना जो समाज के लिए अच्छा हो। एमिल डर्कन का कहना था कि सोशल कंसेंसस टेक्स वन और टू फॉर्म्स, दो तरह का सोशल कंसेंसस होता है, मतलब कि दो तरह के विचार भी जिसको किस लोग किसी समाज के लोग मानते हैं, तो दो तरह का हो सकता है, किस तरह का मानते हैं, तो एक मैकेनिकल होता है एक ऑर्गेनिक, तो मैकेनिकल सॉलिडरिटी क्या होता है, एक ऐसा सामाजिक कोहेजन है, ऐसा सामाजिक एकजुटता या एक मत है जो कि तब होता है जब लोग किसी सोसाइटी में होते हैं, एक ही वैल्यूज को मानते हैं, एक ही बिलीफ को मानते हैं और एक टाइप के काम में लगे होते हैं। तो ये जो होता है यांत्रिक सॉलिडरिटी जिसको कहते हैं, ये कहाँ होता है, तो बहुत ट्रेडिशनल जो सोसाइटी होता है और जो बहुत सिंपल सोसाइटी होता है, जहाँ पर हर को क्या करना है, इन विच एवरी वन हैड कैटल और फार्म्स, एवरी वन हैड किसी के हर के पास पशु होता है, फार्म्स होता है। तो ऐसा उदाहरण है अमीश सोसाइटी, एग्जाम्पलीफाइजल मैकेनिकल सॉलिडरिटी। अमीश सोसाइटी जो है ना वो अमेरिका में पाया जाता है, ये खासकर कनाडा में, इनका जो है ना ये बहुत ही ट्रेडिशनल टाइप के सोसाइटी वाले लोग, यहाँ के लोग बहुत ट्रेडिशनल होते हैं, ये सब कोई नया टेक्नोलॉजी को अडॉप्ट नहीं करते हैं, न्यू टेक्नोलॉजी और कोई भी मॉडर्न फैसिलिटीज को ये एक्सेप्ट नहीं करते हैं, ये चाइल्ड बर्थ को कंट्रोल नहीं करते हैं, क्योंकि वो मान के चलते हैं कि बर्थ का बर्थ गिफ्ट बच्चों को मानते हैं, तो इस तरह से वो बिल्कुल ट्रेडिशनल होते हैं, कोई भी नई चीज को एक्सेप्ट करने में वो आगे नहीं बढ़ते हैं, वो मैकेनिकल तरीके से जो चलता आ रहा है शुरू से उसी को मानते हैं, कोई भी नई चीज को अडॉप्ट नहीं करते हैं, उसे हम अमीश सोसाइटी कहते हैं, जो कि कनाडा यूएस में ज्यादा पाया जाता है, अभी इनकी संख्या बढ़ती जा रही है। ठीक है, तो ये मैकेनिकल वे में चलते हैं, मतलब कोई भी नई चीज को मानने के लिए तैयार नहीं। दूसरा है ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी, ये क्या है, ये ऐसा सोशल कोहेजन है जबकि पीपल किसी भी सोसाइटी में इंटरडिपेंडेंट एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, लेकिन उनके वैल्यूज अलग अलग होते हैं, इसमें क्या होता है, यहाँ वैल्यूज और बिलीफ सब एक होता है, लेकिन ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी में इनका वैल्यू भी अलग होता है, बिलीफ भी अलग होता है और ये अलग अलग तरह के कार्यों में इंगेज होते हैं, अलग अलग तरह के कार्य करते हैं। तो ये ऑर्गेनिक सॉलिडरिटी जो होता है वो इंडस्ट्रियल कंट्रीज में होता है, कॉम्प्लेक्स सोसाइटी में जो कि बड़े बड़े सिटीज में होता है और लार्ज कंट्रीज में होता है। तो ये मॉडर्न होते हैं, ये ट्रेडिशनल होते हैं, मैकेनिकल ट्रेडिशनल होते हैं, ऑर्गेनिक मॉडर्न होते हैं, तो यहाँ ग्रोथ ज्यादा होता है ऑर्गेनिक में। अब हम चलते हैं कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी पे। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी संघर्ष का सिद्धांत, ये मार्क्स का दिया हुआ है। कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ये बताता है कि पावर का रोल ऑफ पावर, मतलब किसी को अगर पावर मिलता है तो वो किस तरह से अगले को, और रोल ऑफ पावर एंड इक्वलिटी फाउंड मेथड ऑफ के मेथोडिकली ये नजरिया क्या बताता है कि वहां पर वैल्यूज का कोई कॉन्सेंसस नहीं होता है सोसाइटी में, और सोसाइटी का प्राइमरी नॉर्म और वैल्यूज जो कि किसका होता है, दो ऑफ द डोमिनेंट ग्रुप, मतलब यहाँ पर वास्तविक रूप में कोई सोसाइटी में कोई वैल्यूज नहीं होता है, एक मत नहीं होते लोग, एक
और किसी भी वैल्यूज को मानने वाले सारे लोग नहीं होते हैं, बल्कि यहाँ पर क्या है कि जो यहाँ का जो प्राइमरी सिद्धांत होता है या जो वैल्यू होता है वो किसका होता है, जो समाज में डोमिनेंट लोग होते हैं उनके बताए गए वैल्यू या उनके नाम से चलते हैं, सब इक्वालिटी की यहाँ कमी होती है। ठीक है, तो ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का जो अप्रोच है ये परपेचुअल क्लास कॉन्फ्लिक्ट जो कि वर्ग संघर्ष के बारे में बताता है, जो समाज में जो वर्ग संघर्ष क्लास कॉन्फ्लिक्ट वर्ग संघर्ष जो बहुत पहले मार्क्स के सिद्धांत में था हैव्स एंड हैव नॉट्स के बीच में होता है। ठीक है, ड्यू टू अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज यहाँ क्या होता है कि यहाँ पर क्लास का वर्ग संघर्ष होता है। क्यों होता है कि जो रिसोर्सेज हैं जो संसाधन है किसी के पास बहुत ज्यादा होता है किसी के पास बिल्कुल नहीं होता। तो ये इसका जो पायोनियर पर्सनालिटी ऑफ दिस थ्योरी वो कार्ल मार्क्स का सिद्धांत था जिन्होंने बताया था कि सर्वहारा और हैव्स एंड हैव नॉट्स में उन्होंने बंटवारा किया था। उन्होंने कहा था कि कॉजेज एंड कंसिक्वेंसेज ऑफ द क्लास कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन बूर्जुआज एंड प्रोलेटेरियट्स। तो बूर्जुआज अमीर वर्ग होता था जिनके पास बहुत संसाधन होते थे और गरीब प्रोलेटेरियट्स होते थे। उनका कहना था कि देयर इज अ कंटीन्यूअस कॉन्फ्लिक्ट इन सोसाइटी ड्यू टू इनजस्टिस फेस्ड बाय कम्युनिटीज इनसाइड दिस अनइक्वल क्लास सिस्टम ऑफ सोसाइटी। उनका कहना है कि समाज में लगातार संघर्ष चलता रहता है क्योंकि जो अन्याय इस ऐसे लोगों के द्वारा जो अन्याय सहन कर रहे हैं क्यों अन्याय सहन कर रहे हैं, क्योंकि अनइक्वल क्लास सिस्टम है। एक बहुत गरीब वर्ग है तो एक बहुत अमीर वर्ग है, इसलिए वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट हमेशा चलता रहेगा क्योंकि बर्जुआ क्लास जो कि टॉप मोस्ट लेवल पे सारा इकोनॉमी को कंट्रोल कर रहा है, सारे संसाधन उनके पास है, वो बहुत रिच है, और वर्किंग जो लेवल क्लास है जो वर्किंग क्लास है जिसको प्रोलेटेरियट क्लास कहते हैं। तो इसमें क्या है कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन है, जो भी संसाधन है वो अनइवन है, मतलब कहीं बहुत ज्यादा है कहीं बहुत कम है। तो ये कंफ्लिक्ट थ्योरी जो है थ्रू द आइडियोलॉजिकल पोजिशन वेयर बूर्जुआज वुड फेस एक्सेप्टेंस ऑफ करेंट कंडीशन ऑफ द, जहाँ पर क्या माना जाता है कि ये जो बूर्जुआ क्लास है वो वर्कर क्लास की जो प्रेजेंट कंडीशन है प्रोलेटेरियट क्लास का जो दयनीय स्थिति है उसके लिए वही जिम्मेदार है क्योंकि उनके पास बहुत ज्यादा पूंजी है। तो ये कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी क्लास कॉन्फ्लिक्ट पर आधारित है और क्या बताता है कि बताता है कि जो रिसोर्स है संसाधन है जो कि किसी वर्ग के पास बहुत कम है सोसाइटी में और ये किसी के पास बहुत ज्यादा है, जिसके पास ज्यादा है उसके पास तो वो डोमिनेट कर रहा है समाज को, उसके पास ज्यादा शक्ति भी है पावर भी ज्यादा है और वहाँ पर कोई कंसेंसस नहीं है कोई बराबरी नहीं है, इसलिए अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जिसके पास वेल्थ और पावर है वो क्या करते हैं कि इसको अपने पास रखना चाहते हैं और जिनके पास नहीं है जिनके पास पावर जो गरीब है जो शक्तिहीन है उनको सप्रेस करते हैं उनको दबाते हैं। तो इस तरह की सोसाइटी कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी में इसका मानना है कि ऐसे समाज में जहाँ पर अमीर गरीबों का शोषण करते हैं वहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी होता है और ये कॉन्फ्लिक्ट चलता रहता है। ये बताता है कि टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट तभी होता है जब इसका बंटवारा अनइवन होता है और ये समाज क्या करता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट किसलिए होता है कि ताकि एक समाज में बदलाव आ सके समाज में परिवर्तन आ सके। तो दिस थ्योरी वाज यूज्ड टू एक्सप्लेन इसमें बहुत सारी सामाजिक समस्याओं को बताने के लिए ये थ्योरी लाया गया जिसमें बहुत सारी सामाजिक क्रांति सामाजिक विभेदीकरण घरेलू हिंसा और लिंगभेद जैसी चीजें उभर कर समाज में आई। मार्क्स का मानना था कि सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट जो है वो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं समाज में संसाधन कम संसाधन और उनका अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन ही वार को क्रिएट कर रहा है या क्रांति लाता है वार या क्रांति लाता है। रूलिंग क्लास जो होता है वर्किंग क्लास को हमेशा अपने दबाव पर रखते हैं
जैसे मनी मतलब विच इम्पोज डोमिनेंस विद सोशल रूल्स, उनको बहुत सारे नियम वैसे लोगों के लिए होते हैं जो ऑपरेट होते हैं जिनके पास कोई संसाधन नहीं होता है। तो मैक्स वेबर पॉलिटिकल इकोनॉमिक्स थे, मैक्स वेबर उनका कहना था कि इस डेफिनेशन को उन्होंने मल्टी डायमेंशनल क्लास लेवल में ले आया और बोला कि ये जो डिस्क्रिमिनेशन होता है वो रेस के आधार पर, जाति, लिंग और धर्म के आधार पर भी होता है। उनका कहना था कि पॉलिटिकल रेवोल्यूशन के साथ साथ सामाजिक संघर्ष और चेंज इसको इसमें बदल सकता है। तो अभी इस तरह का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी बहुत चल रहा है, तो हम इसको रियल टाइम का कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी अभी जो चल रहा है आगे कुछ पिछले वर्षों में कुछ दशकों में उसके बारे में एक दो एग्जांपल देखते हैं ताकि हमको समझ में आ सके आसानी से। तो क्लास कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी जब कब होता है, ये थ्योरी कब उत्पन्न होता है, जब कोई क्लास का लोग बहुत एम्पावर्ड हो जाता है और दूसरे को एम्पावर करने लगता है, मतलब दूसरे को शासन करने लगता है। तो जो लेस एम्पावर्ड लोग होते हैं वो क्या करते हैं, उनका डिमांड होता है कि जो भी रिसोर्स है, जो भी संसाधन है, उनमें उनका भी हिस्सा होना चाहिए। और जो ज्यादा भाग्यशाली या जो ज्यादा रिच क्लास है, जो अबंडेंस में है, जो उनके पास बहुलता है, वो सोशल कॉन्फ्लिक्ट को जन्म देते हैं। तो यहाँ पर कुछ रियल लाइफ एग्जाम्पल्स को हम देखते हैं। रियल लाइफ में दो है, पहला तो है कि मी टू मूवमेंट जो आया था 2006 में, इसमें क्या है कि रूलिंग क्लास ऑपरेट्स अदर्स टू अब्यूज पावर एंड दे होल्ड ओवर वुमेन एंड मेन इन सबऑर्डिनेट कैरियर्स। इसमें क्या है कि इसमें जो है ना कि एक्सप्लॉइट करते हैं लोग, जो पावर में होते हैं वो वुमेन को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो करियर में होते हैं वो मेन को एक्सप्लॉइट करते हैं, जो सीनियर्स होते हैं। इसमें ये जो मी टू मूवमेंट आया था, ये सब लोग परिचित होंगे, ये मूवमेंट जो कि 2006 में आया था, इसका सोशल मीडिया रिसर्जेंस आया, सामाजिक सोशल मीडिया से इसको बहुत बढ़ावा मिला। और 2007 में एज हैशटैग मी टू आया और इसमें कहा कि किस तरह से वर्क प्लेस में सेक्सुअल अब्यूज होता है और हैरेसमेंट होता है, ये भी क्लास कॉन्फ्लिक्ट के अंदर आ जाता है। क्यों कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी के अंदर, जिसके पास पावर है वही किसी को सबमिस कर सकता है, सेक्सुअली अब्यूज कर सकता है, हैरेस कर सकता है। तो इस तरह का सामाजिक क्रांति जो है वो मार्क्स और लेबर दोनों ने प्रेडिक्ट किया था। जब वो कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का वो बता रहे थे उस समय ही उन्होंने प्रेडिक्ट किया था कि जो किसी के पास ज्यादा पावर होगा वो अपने पावर के बल पर जब किसी को सप्रेस करेगा, हरास करेगा या अब्यूज करेगा, तो इस तरह का सोशल रेवोल्यूशन आएगा। और ये सोशल रेवोल्यूशन सोशल मीडिया के जरिए है, इसलिए एक ये है अभी बहुत करेंट। और दूसरा है द एजुकेशन सिस्टम, ये चीज क्या है कि इनहेरिट प्रायरिटी सिस्टम इन पब्लिक एजुकेशन सिस्टम क्रिएट देयर ओन क्लास स्ट्रैटिफिकेशन। पब्लिक एजुकेशन में आप देखेंगे कि स्ट्रैटिफिकेशन होता है टू गिफ्टेड एंड एडवांस्ड स्टूडेंट, जो बच्चे बहुत तेज हैं और बहुत जनरली वो बहुत अच्छे धनी मानी परिवार से, उनको हर तरह के स्किल्स मिलते हैं, हर तरह की ट्रेनिंग मिलती है, हर तरह का कोचिंग वो कर सकते हैं और अच्छी से अच्छी शिक्षा शिक्षण संस्थान में जाकर शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं और उनका करियर अच्छा होता है। तो हम ये देखते हैं कि समाज में उनका करियर अच्छा होता है जिनके पास पैसे होते हैं, क्योंकि वो अच्छी से अच्छी कोचिंग ग्रहण ले सकते हैं, अच्छे से अच्छे इंस्टीट्यूट में मेडिकल की पढ़ाई आजकल कितनी महंगी, जिनके पास पैसा है वो पढ़ पा रहे हैं, वो नंबर ला कर भी बच्चे पीछे रह जाते हैं जिनके पास पैसा नहीं होता और लोग डोनेशन दे देकर अच्छे से अच्छे करियर को चुन ले रहते हैं। जो एवरेज परफॉर्मिंग स्टूडेंट होते हैं और जो स्ट्रगलिंग स्टूडेंट होते हैं, जिनके पास ऐसे अवसर नहीं होते, जिनके पास पैसे नहीं होते, और जो लर्निंग का जो ट्रेड है या जो कोचिंग का फी नहीं भर पाते, ऐसे स्टूडेंट्स को कॉलेज में जगह नहीं मिलती और ये इकोनॉमिकली डिसएडवांटेज होते हैं क्योंकि इनके पास पैसा नहीं होता। स्टूडेंट लोन्स होता है, ये कॉन्फ्लिक्ट है, उनको नेशनल कन्वर्सेशन अबाउट इस ये चीज, इस पर राष्ट्रीय बहस हुई और स्टूडेंट्स का लोन डेट को कैंसिल करने की बात कही गई। एजुकेशन सिस्टम में भी ये चीज आया और जो बच्चे नहीं लोन लेके पढ़ रहे हैं उनके लोन को कैंसिल या उनके लोन को चुकाने का या फिर
को कम करने की बात कही जाती है, लेकिन कंफ्लिक्ट होता है इसलिए संघर्ष को जन्म देता है कि जो समर्थ है वो अच्छे से अच्छे संस्थानों में जाकर डिग्री पा रहे हैं, और जो देश होते हुए भी पैसे के अभाव में अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, ऐसे बहुत सारे बच्चे होती है जो कंफ्लिक्ट या संघर्ष का जो नजरिया है विच ओरिजिनेटेड फ्रॉम कार्ल मार्क्स के राइटिंग से शुरू हुआ कि वर्ल्ड संघर्ष की बात उन्होंने की, और उन्होंने एक सोसाइटी को प्रेजेंट किया जिसमें कि सोसाइटी को अलग परिप्रेक्ष्य में दिखाया जो कि फंक्शनलिस्ट जो थे और सिंबॉलिक इंटरैक्शनिस्ट ने नहीं दिखाया था, उनके उनसे अलग हटकर पर्सपेक्टिव उनका नजरिया कार्ल मार्क्स का नजरिया बिल्कुल अलग था। तो ये जो पर्सपेक्टिव था कि पॉजिटिव एस्पेक्ट ऑफ सोसाइटी कंटिन्यू टू स्टेबिलिटी फंक्शनलिस्ट बोले कि नहीं वो समाज को स्टेबिलिटी की तरफ, और ये कंफ्लिक्ट पर्सपेक्टिव क्या बोला, ये नेगेटिव एस्पेक्ट पर ले गया और एवर चेंजिंग नेचर ऑफ तो फंक्शनलिस्ट स्टेबिलिटी की ओर ले गया, और ये चेंजिंग नेचर ऑफ सोसाइटी ड्यू टू कंफ्लिक्ट और नेगेटिव अप्रोच अनलाइक फंक्शनलिस्ट हु डिफाइन द स्टेटस को। अब ये क्या है कि ये स्टेटस को नहीं अवॉइड सोशल चेंज बिलीव पीपल ऑपरेट टू इफेक्ट सोशल ऑर्डर कंफ्लिक्ट थ्योरीज क्या करना उनका करना था जो फंक्शनलिस्ट थे कि स्टेबिलिटी आएगी समाज में चेंज नहीं होगा और लोग सोशल ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, लेकिन जो कंफ्लिक्ट थ्योरिस्ट है जैसे कार्ल मार्क्स उनका मानना है कि स्टेटस को नहीं होता, उन्होंने इस शब्द को चैलेंज किया और कहा कि सोशल चेंज होता है, जबकि इसका मतलब उन्होंने सामाजिक क्रांति भी कहा और कहा कि रिच और पावरफुल लोग जो हैं वो समाज के जो समाज का ऑर्डर है या द पुअर एंड वीक, वो उनका कहना था कि रिच लोग सारे नियम कानून जिनके लिए है तो वो पुअर और कमजोर लोगों के लिए, इसलिए कंफ्लिक्ट थ्योरिस्ट का कहना था एलिट बोर्ड ऑफ रेजेंट्स रेजिंग ट्यूशन टू पे एस्थेटिक न्यू प्रोग्राम्स दैट रेज द प्रेस्टीज ऑफ लोकल कॉलेज एज सेल्फ सर्विंग रैदर देन बेनिफिशियल फॉर स्टूडेंट। इसका मतलब जो है कि जो ऐसे कॉलेज स्कूल्स हैं जहाँ पर बोर्ड में एलिट लोग हैं वो क्या करते हैं कि ट्यूशन को ट्यूशन फी को बढ़ा देते हैं, ट्यूशन फी हाई ट्यूशन फी को दे सकता है केवल हाई ट्यूशन फी वही दे सकते हैं जिनके पास बहुत पैसा हो, ठीक है। तो और प्रेस्टीज लोकल कॉलेज का प्रेस्टीज भी कैसे बढ़ता है, तो ज्यादा पैसा से, वो पैसा कहाँ से आता है, ट्यूशन को पे फॉर एसोटेरिक न्यू प्रोग्राम मतलब गुप्त पैसे देते हैं तो नए प्रोग्राम के लिए और लोकल कॉलेज का प्रेस्टीज को बढ़ाते हैं, और वो क्या होता है जो भी कॉलेज होता है जो ज्यादा पैसा लेकर पढ़ाई करवाते हैं वो क्या करते हैं, वो अपने लिए अपने प्रेस्टीज के लिए और अपने लिए काम करते हैं, ना कि स्टूडेंट के लाभ के लिए या स्टूडेंट्स के फायदा के लिए। तो ये मतलब कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी ज्यादा इम्पोर्टेंट है जो सोशल चेंज पर बात करता है, जो समाज में बदलाव की बात करता है, क्योंकि समाज में हम अभी भी देखते हैं कि दो तरह का है, वर्ग संघर्ष है, गरीबों और जिनके पास पैसा है जो एलिट क्लास है वो सारी सुविधाओं का भोग करते हैं, और जो वीक है जो पुअर है उनको बहुत उनको ये सारी सुविधाएं नहीं मिलती, जितने शिक्षण संस्थान भी है वो डोनेशन लेकर बहुत हाई पैसे लेकर अपने को वो एलिवेट करते हैं, और वो स्टूडेंट्स के लिए बेनिफिशियल ना होकर बल्कि अपने को वो सर्व करते हैं। तो इस कॉन्फ्लिक्ट सिद्धांत जो है आज के समाज में ज्यादा काम कर रहा है। तो फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी समाज शास्त्र का दो अप्रोच है, और ये दो अप्रोच है वो समाज का स्ट्रक्चर बनावट और उसका कार्य विधि को बताता है। इसके हिसाब से फंक्शनलिज्म ये बताता है कि समाज का हर एस्पेक्ट जो है वो एक फंक्शन करता और समाज के जो कार्य करता है वो समाज के सर्वाइवल के लिए जरूरी है, और सारे जितने समाज के इंस्टीट्यूशंस हैं और या जो हर एस्पेक्ट है वो मिलकर समाज के लिए काम करते हैं, जैसे कि शरीर के बॉडी में जिस तरह से बहुत सारे सिस्टम मिलकर बॉडी को बैलेंस रखते हैं,
ये फंक्शनलिज्म का मानना था और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मानना था कि समाज इस परपेचुअल क्लास, समाज में लगातार क्लास कॉन्फ्लिक्ट है क्योंकि संसाधनों का सीमित संसाधन, दुर्लभ संसाधनों का अनइक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। तो ये जो असमानता है समाज के क्लास में, ये क्या करता है कि समाज में सोशल चेंज लाता है, क्योंकि रिवॉल्यूशन और वार होता है, उसके बाद समाज बदलता है। तो ये क्या है कि फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी का मेन डिफरेंस है। इस तरह से हम लोगों ने फंक्शनलिज्म और कॉन्फ्लिक्ट थ्योरी को देखा, इसके साथ हमने सिंबॉलिक इंटरैक्शनिज्म को भी देखा। ये तीनों थ्योरी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।